हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम डायमेंशन टूल्स के बारे में डिस्कस करते चल रहे हैं कि डायमेंशन टूल्स किस तरह से यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट किया जा सकता है। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आर्क डायमेंशन के बारे में, कि आर्क डायमेंशन क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर इसको मेजर किया जा सकता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करूँ यहाँ पर आर्क डायमेंशन के लिए, तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है DAR Enter। करते ही आपके पास आर्क डायमेंशन इनेबल हो जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो डायमेंशन टूल्स का यहाँ पे है बार, उसके अंदर देखिए आपको आर्क डायमेंशन मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे आर्क डायमेंशन इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पहुंचा जाएगा कि आपके पास जो भी आर्क है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो आर्क की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे बेसिकली मेजर की जा सकती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। अब चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं कि आर्क डायमेंशन कैसे मेजर की जाती है। बेसिकली बात करें कि जो आर्क की जो लेंथ होती है वो कैसे मेजर की जा सकती है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। चले AutoCAD के अंदर, तो देखिए AutoCAD के अंदर चलते हैं। तो AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद देखिए आपके पास जो आर्क डायमेंशन है, या फिर बोलूं आर्क लेंथ, वो आपके पास यहां मिलेगी। एंगुलर के जस्ट नीचे आपके पास आर्क लेंथ देखने को मिलेगी। इससे आप यहां पर आर्क की जो लेंथ होती है वो बेसिकली मेजरमेंट कर पाते हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिंपल सी एक आर्क बना लेता हूं। तो यहां पे देखिए मैं एक आर्क बना लेता हूं, स्टार्ट सेंटर और एंड वाला ले लेते हैं यहां पर। ओके, तो मैंने यहां पर देखिए इसको यहां पर सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑर्थो को ऑन करते हुए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां दे देते हैं। क्लियर? तो अभी जो आर्क बन रही है आपके पास वो 90, 80, 280 के आसपास मिल रही है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और बेसिकली बात करूं यहां पे सिंपल सी, तो यहां पे इसकी पोजीशन को चेंज कर लेता हूं थोड़ी सी, और यहां पे कुछ इस तरीके से आपके पास स्टार्ट सेंटर एंड एंड, तो यहां कहीं ऐसे बना लेते हैं। क्लियर? तो ये मैंने एक आर्क बना लिया है। अभी इसको मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा और ये आर्क आ जाएगी। अब देखिए मुझे इसकी आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करना है बेसिकली, तो DAR एंटर कर सकते हैं, या फिर मैं बात करूं आर्क लेंथ के ऊपर, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आर्क आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां पे किसी भी आर्क को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर पॉलीलाइन की आर्क के सेगमेंट को आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करूं मुझे इसके आर्क को मेजरमेंट करना है, तो इस आर्क को सेलेक्ट करता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने आर्क को सेलेक्ट किया, आर्क को सेलेक्ट करते देखिए यहां पर आर्क लेंथ देखने को मिल गई है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इस आर्क लेंथ को यहां पर पहले डायमेंशन स्टाइल से जाके इसकी स्टाइल्स को यहां पर चेंज करते हैं। तो मॉडिफाई के अंदर क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई करने जाना है, फिर उसके बाद मेरे को टेक्स्ट बढ़ाना है, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इस टेक्स्ट की यूनिट्स को यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं। क्लियर? एंटर। कुछ और छोटी है तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को हटा के 1 यूनिट कर देते हैं। क्लियर? एरो इन सिंबल सही है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर कलर्स की, तो ये काम करते हैं, इसको कर देते हैं येलो, एंड इसके जो लाइन्स कलर है इसको कर देता हूँ रेड। इस तरह से बना लेते हैं और इसको कर देते हैं सिंपल सा। ओके, क्लियर? और इसको कर देते हैं सेट करंट एंड क्लोज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आर्क की लेंथ को मेजर करना है, तो मैं आर्क लेंथ के ऊपर क्लिक करूंगा। आपका जो भी आर्क है आप सिंपल सा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर इस आर्क को यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, आर्क की लेंथ आपको देखने को मिल गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी आपके पास आर्क हो, किसी भी टाइप के आर्क हो, आप उसकी लेंथ को बेसिकली मेजरमेंट कर पाएंगे। तो जैसे कि बात करूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड एंगल आर्क ले सकते हैं। आप जो भी आर्क बनाना चाहे वो आर्क यहाँ पे बना सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ को बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सर्कल बना लेता हूं, और सर्कल बनाने के बाद देखिए लाइन कमांड का यूज करते हुए इसको आर्क के अंदर कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। तो यहां पे देखिए मैं इसके सेलेक्ट करता हूं, यहां पर मुझे सेंटर पॉइंट मिल चुका है, और यहां इस तरफ मैंने एक लाइन बना ली है। उसके बाद बात करूं यहां पर इसको सेलेक्ट करते हुए, देखिए यहां कुछ ऐसे बना लेते हैं। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिम कमांड का यूज करूंगा। ट्रिम कमांड का यूज करते हुए यहां पर ये जो लेंथ है पीछे वाली, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और सिंपल सा मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पे फिर से मुझे आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो सिंपल सा मैं यहां पे क्या करूंगा, आर्क लेंथ के ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो आर्क बन गई है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो मेरे पास आर्क की जो लेंथ है वो मुझे यहां पर मिल जाएगी बेसिकली। आई होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से यहां पर आर्क की लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर बात करें तो यहां पर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी को देखें यहां पर। तो देखिए मैं सिंपल सा आर्क लेंथ को यहां पर सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद मेरी जो पॉलीलाइंस है या फिर जो आर्क है उसको यहां पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे कमांड बॉक्स के अंदर आपके पास 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए आपने ये जो आर्क लेंथ है वो आपने देखिए किस तरह से मेजरमेंट हो रही है, जरा देखिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है इन सभी को पहले एक बार फर्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मल्टी टैक्स, उसके बाद है टैक्स, उसके बाद है एंगल, उसके बाद है यहाँ पर पैडचल, उसके बाद है लेडर। इन सभी के बारे में देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मल्टी टैक्स के बारे में। तो मल्टी टैक्स के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो टैक्सिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे आर्क की जो यहाँ पर लेंथ लिखी है, इस आर्क की लेंथ के आगे आपको यहाँ पे कुछ भी लेना चाहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखना चाहता हूँ AUTO ऑटो, तो आप यहाँ पे ऑटो लिख सकते हैं। मैं इसको क्लोज एडिटर कर देता हूँ,
तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे जैसे इसको पेस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखने पर देखिए आपके पास जो लेंथ है उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ आ चुका है ऑटो। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफाइड वर्ड लिख सकते हैं किसी भी टाइप का। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है। क्लियर, अब मैं काम करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिर से आर्क लेंथ को यूज करता हूँ, इसको मेजरमेंट करने के लिए क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला है टेक्स्ट के बारे में। तो देखिए टेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, टी एंटर करेंगे, टी एंटर करते ही आपके पास देखिए अभी आर्क की जो लेंथ है वो आपके पास 29.41 लिखी हुई आ रही है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो आर्क की लेंथ है वो कुछ और लिखी हुई आए या फिर एक कर्वल वर्ड ही लिखा हुआ है, तो वो आप बेसिकली वर्ड का चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 29.4 यहाँ पर ओरिजिनल आर्क की लेंथ है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ और टाइप करना चाहते हैं तो कुछ और टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पर AUTO ऑटो टाइप कर देता हूँ, AUTO ऑटो टाइप कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अब मेरी जो आर्क है वो यहाँ पर आर्क लेंथ नहीं मिलके मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है ऑटो लिखा हुआ है। क्लियर, देखिए यहाँ पर बात करूं तो आपके पास सब यहाँ पे शो कर देते हैं। देखिए बेसिकली मैंने इसको चूज किया मल्टी टेक्स्ट के लिए, मैंने क्या करना है एम एंटर करना है, मल्टी टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। मल्टी टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AUTO ऑटो लिख सकते हैं और सिंपल सा एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए क्लोज एडिटर कर दीजिए और उसके बाद जहां पे भी आपको प्रेस करना है वहां प्रेस कर चुके हैं। देखिए आपके पास यहाँ एक सिंबल्स भी आ रहा है आर का, तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर का सिंबल आपके पास दिख रहा है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद है यहाँ पर एंगल अगला ऑप्शन। तो देखिए एंगल के लिए आपके पास क्या करना है, ए एंटर करना है। देखिए बेसिकली बात करूं एंगल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपके पास यहाँ पे जो आर्क लेंथ लिखी, आपके पास जो भी आर्क के जो वर्डिंग लिखी हुई है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है या फिर बेसिकली बात करूं यहाँ पर ऑटो 29.41 लिखा हुआ है जो भी। क्लियर, अब ये आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बोल रहा हूँ, बेस लाइन जो आपके एक्सेस है उसके साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आपके पास टैक्सिंग लिखी हुई है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 60 डिग्री के साथ मेरे पास आना चाहिए टैक्सिंग, तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री एंटर किया। उसके बाद आप यहाँ पर टैक्सिंग को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं और जहां टायर रखना चाहते हैं वहां पर इसको रख सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आर्क लेंथ को मेजरमेंट किया जा रहा है और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पर एडिटिंग की जा रही है। क्लियर, अब देखिए बात करें यहाँ पे फिर से मैं आर लेंथ को चूज करता हूं, उसके बाद देखिए यहां पर है पार्शियल, यहां पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आर्क लेंथ डायमेंशन, जो भी आपके फर्स्ट पॉइंट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद बात करूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिया। बेसिकली बात बताऊँ यहाँ पर हुआ क्या है, तो आपके पास जो भी आर्क है, जैसे आपके पास बहुत बड़ी आर्क है, उस बहुत बड़ी आर्क के अंदर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही यहाँ पर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिकली इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर स्टार्ट एंड सेंटर का यूज करते हैं, जैसे मेरे को देना है स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने यहाँ पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है तो मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया, उसके बाद देखिए ये मैंने एक बहुत बड़ी एक आर्क बना ली। क्लियर, तो इस तरह से आर्क बना ली। अब मुझे यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही आर्क को मेजरमेंट करना है तो मैं पार्सल चीज का यूज करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जो भी आर्क है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्सल को यहाँ पे सेलेक्ट किया। पार्सल को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जहां पे भी आपको इसको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट देना चाहते हैं वो पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद वहां से आपकी जो आर्क है वो लेंथ मेजरमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से यहां तक सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मुझे मिल चुकी है 63.27। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे इसका जो भी का यूज किया जा रहा है। क्लियर, अब देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है लैटिस वाला, इसको जरा समझते हैं कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक वापस आर्क बना लेता हूँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद बात करूँ ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया और ये मेरी आर्क हो गई। क्लियर, अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे लैडर। लैडर का मतलब बेसिकली मैं सिंपल से बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके पास जो आर्क हो रही है, जैसे यहाँ पर आर्क हो रही है, आप लगातार आर्क को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लैडर का यूज कर सकते हैं। लैडर से क्या होगा कि आपके पास जितनी भी आर्क मेजरमेंट करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट आर्क मेजरमेंट की, उसके बाद आप यहीं पर सेकंड आर्क मेजरमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके देखिए एक तरीके से साइन सिंबल्स आने लग जाएगा लैडर्स का। क्लियर, आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके फिर से ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे फिर से लैडर का यूज करता हूँ और लैडर का यूज करते हुए देखिए इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर सिंबल्स के अंदर लाइन यूज होगी जो आपके पास शो करेगी कि ये आपके पास लैडर है। क्लियर, अब मैं इसको यहाँ पे मूवमेंट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्लियर, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यहाँ पर आर्क लेंथ के अंदर ये है कि आप यहाँ पे जो भी आर्क यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर आप यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट को ही यहाँ पे आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास काफी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो आर्क होते हैं वहीं पे ही उसको मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे मैं सिंपल सा एक आर्क बना लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया इसको, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद देखिए मैंने ये एक आर्क बना ली इतना सा। क्लियर,
ओके अब मैं देखिए आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करने जा रहा हूं, तो मैंने आर्क की लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मैंने आर्क की लेंथ को चूज किया, यस आर्क को चूज किया। अब देखिए मैंने ऊपर की तरफ जैसे जैसे जूम करता हूं तो यहां पे जो आर्क मेरी बन रही है, जैसे कि बात करें यहां पर जो आर्क लेंथ मिल रही है वो ऊपर की तरफ से मिल रही है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे की तरफ करूंगा तो मुझे नीचे की तरफ मिलने लग जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं और यहां पर आप चाहे जहां उसको रख सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से यहां पे आर्क वाली लेंथ को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है जो कि आर्क की लेंथ है। क्लियर? इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, यहां पर DAR है, यहां पर DAR करेंगे तो यहां पर आर्क लेंथ को बेसिकली मेजरमेंट कर पाएंगे। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहां पे इसको यूज करना है और किस तरह से किसी भी आर्क की लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है और किस तरह से उसके अंदर एडिटिंग की जा सकती है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।